हर जगह के लिए तैयार हूँ। जब आपको पता है मैं ये कहूँगा तो गाड़ी ख़त्म हो गई। नहीं देखे फ़खर ज़मान सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द मंथ रह चुका है। अभी अगर आप जितना मेरे इलम में है जिसमें प्लेयर ऑफ द मंथ जो वर्ल्ड की सतह पर आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं कि तीन चार दिन से जो है ना क्या कहते हैं उसको हमें नज़र आ रहा है सब, क्योंकि बातें ऐसी होती है कि यार फ़खर ज़मान फॉर्म में नहीं है, मगर आप अगर अब उसकी स्टार्ट की इनिंग्स देख लें, उसके बल्ले पर बॉल लग रहा है, उसके आउट से लग रहा है कि यार अगर कोई एक जगह पर वो आउट होता तो हम समझा देखिए यार कोई फॉल्ट है, मगर डिफरेंट तरीके से अगर वो आउट हो रहा है इट मीन्स के कुछ है, मगर वो उस पर काम कर रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ओपन चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, मगर बहरहाल फिर भी जरूरत आई तो ये मैनेजमेंट क्या करते हैं और हमारे मैं फैसली हर जगह के लिए तैयार हूँ। जावेद भाई की बात मुझे पहुंची थी, मुझे किसी ने कहा था कि जावेद भाई ने ये कहा हुआ है, यकीन करें उनके अल्फाज मेरे लिए काफ़ी थे। ये तो अभी रिसेंटली मैं अपनी लाइफ में ना हमेशा किसी न किसी की लफ्ज़ को लेकर चलता था मैं अपनी लाइफ में शुरू से, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एकेडमी के टाइम पे था ना, तो मैंने एक बस के अंदर एक शेर देखा हुआ था, एक शेर था बस के अंदर, वो अक्सर मेरा लफ्ज़ जब हमारी मेरी तो हिम्मत नहीं की जाती थी तो उसको मैं देखता था। फिर एक ऐसा एक टाइम गया दो तीन साल बाद, एक ऐसे आम प्लेयर ने कहा कि यार रिजवानी अकेडमी में वाहिद आप प्लेयर हो जो स्पिनर को भी खेल लेते हैं फास्ट बॉलर को भी खेल लेते हैं, अगले दो साल में उस पर खेलता रहा, मतलब वो मेरे लिए बूस्ट के अल्फाज थे। फिर एक जगह हफीज भाई ने बात की थी, हफीज भी मुझे याद है कि उसने अच्छे जीत के बारे में कहा था, दरअसल वो भी उसने कहा था कि यार ये प्लेयर बैठने वाला नहीं है, उसको बैठाना नहीं है, बैट्समैन खिलाओ और खिलाओ उसको अपना मतदान भी करना रखना ही है। तो जब मुझे जानते की बात पहुँची तो यकीन करें कि एक बूस्ट वाले अल्फाज से मिले, कितना बड़ा लेजेंड हमारे पाकिस्तान की पूरी दुनिया उसको जानती है और मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कहें तो मेरे लिए एजाज प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मैं अपनी हार्डवर्क करूँ इसके इन अल्फाज को अच्छी तरीके से साबित करूँ।